आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रायगढ़ पुलिस द्वारा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 अलग अलग कारों से कुल 15,64,000 रुपए जब्त किए। वाहन में बैठे व्यक्ति द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। आप सभी जानते हैं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद लगातार प्रशासन और पुलिस की जॉइंट टीम जो है एक्टिव, और इसी दौरान लगातार जो है चेकिंग चालू है। आदरणीय SSP श्री सदानंद सर के डायरेक्शन से कि सभी ऑफिसर खुद भी चेकिंग में मौजूद रहें। इसी तारतम्य में जूटमिल थाना और हमारे जो FST है जो इस एरिया में काम कर रही है, उनके द्वारा कुल मिला के 3 कारों से 15 लाख रुपए की जो है संदिग्ध जो रुपए हैं उनकी जब्ती की। चुनाव में कैश फ्लो पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैधानिक तरीकों से चुनाव में बंटने वाले सामानों की कोरबा पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर धरपकड़ की जा रही है। कोरबा SP जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में 16 चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। अब तक 10 लाख रुपए कैश के साथ ही 13.5 लाख से अधिक की चांदी की ज्वेलरी और बर्तन पकड़े गए हैं। इसमें कल आपने देखा ही होगा कि करीब 10 लाख के आसपास कैश पकड़ा गया और कुछ 12-13 लाख रुपए की कुछ ज्वेलरी है, और किसी एक थाने में कुछ मुंडा में कुछ बर्तन जो बटने उठने के लिए आए थे फ्री बीच के तहत, वो पकड़े गए हैं। ये कार्रवाइयाँ लगातार इलेक्शन तक जारी रहेंगी ताकि निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया जा सके और चुनाव किसी को प्रभावित नहीं हो। कोई कोरबा काफ़ी बड़ा जिला है और बहुत सारे जिलों से इसके बॉर्डर टच होते हैं, उसको देखते हुए हमने एक प्लान बनाया है। उसमें करीब हम लोग अभी 16 नाके लगा रहे हैं फर्स्ट फेज में, शायद वो 2 दिन में एक्टिव भी हो जाएंगे, और ज़रूरत और पड़ेगी तो जो इंटरनल कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से बाइक कोई भी मतलब एंट्री हो सकती है तो उनके लिए भी अगर हमको लगेगा तो और बनाएंगे। बट 4 पहिया के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वो 16 हैं, और करीब हमने 16 SST पॉइंट बनाए जहाँ पे प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग टीम के साथ और पुलिस की टीम के साथ प्रॉपर चेकिंग होगी और वो 24 घंटे ड्यूटी रहेगी ताकि कोई भी जिले में प्रवेश बिना चेकिंग के, बिना मतलब एंट्री के नहीं हो सके। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 5,57,00,000 रुपए से अधिक हो गया है। निगरानी दल धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर नजर रखे हुए हैं। निगरानी के दौरान अब तक 11,851 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 37,57,549 रुपए है। सघन जांच अभियान के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से अन्य सामग्रियों जिनकी कीमत 2,03,563 रुपए है जब्त की हैं। इसके अतिरिक्त 1,70,00,000 रुपए कीमत के 63 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न की भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए हैं।